नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बताएंगे बुधवार व्रत के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। अब शुरू करते हैं। बुधवार दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है और इस दिन भगवान गणेश जी का व्रत भी किया जाता है। बुधवार व्रत को बुध ग्रह को शांत करने के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। ज्ञान कार्य विधि वार आदि में प्रगति के लिए बुधवार व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन कई जगह बुध देव के साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। अब बताएंगे बुधवार व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। पहले बताएंगे बुधवार व्रत कब से शुरू करना चाहिए। बुधवार व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से ही शुरू करना अच्छा माना जाता है। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष को श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करेंगे ये व्रत कितने संख्या कितनी होनी चाहिए। 18, 21 या 45 संख्या में ये व्रत करने चाहिए, उसके बाद ध्यापन करें। बुधवार व्रत का फल। बुधवार का व्रत करने से व्यक्ति का जीवन में सुख शांति और धन धान्य से भरा रहता है। माँ लक्ष्मी जी उसकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। अब बात करेंगे बुधवार व्रत में क्या खाएं और क्या ना। बुधवार व्रत में पूरे दिन फलाहार से ही व्रत करना चाहिए। शाम के समय संध्या आरती करके एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्रों, फूलों और सब्जियों का दान जरूर देना चाहिए। इस व्रत में पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं और फल ले सकते हैं। व्रत में मखाने भी ले सकते हैं। व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए। हरी मूंग की दाल की बनी हुई कोई भी चीज़ जैसे पकौड़े, चीला, हलवा, खिचड़ी भी ले सकते हैं। मूंग के लड्डू भी ले सकते हैं, मोदक भी खा सकते हैं, केला भी इस व्रत में खा सकते हैं। फल फ्रूट खाएं। दिन में एक बार अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में क्या ना खाएं। इस व्रत में नमक का सेवन ना करें। इस व्रत में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।